कि सबसे पहले आप आए गढ़वाल में, पहले यूपी में था, अभी सेपरेट हो गया उत्तराखंड। ये हरिद्वार से ऊपर जो लगता है आपका गढ़वाल उत्तराखंड बोलते हैं, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं गढ़वाली, गढ़वाल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये देवभूमि कही जाती है, स्वर्ग भूमि कही जाती है। इस जगह का नाम बोलते हैं ऋषिकेश, पहले लोग बोलते थे हर्षिकेश। यहाँ पे अनेक साधु ने तपस्या किया है, तपोभूमि कही जाती है। हर्षी नाम के साधु ने यहाँ पे तपस्या किया, उन्हीं के नाम से इस पूरे जगह का नाम बोलते हैं हर्षिकेश। हर्षिकेश में लोगों ने धीरे धीरे ऋषिकेश बोलना शुरू कर दिया। ऋषिकेश में सबसे पहले आती है आपकी गंगा, ये गंगा आई है गंगोत्री से, यहाँ से 246 किलोमीटर गंगोत्री, जहाँ से गंगा स्टार्ट हुई है। ये गढ़वाल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे अपना गाड़ी खड़ा है उस जगह का नाम बोलते हैं मुनि की रेती, डिस्ट्रिक्ट टेहरी गढ़वाल। जहाँ पे हम खड़े हैं पूरे एरिया का नाम बोलते हैं स्वर्ग आश्रम, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। इससे आगे जाएंगे रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर में, 13 डिस्ट्रिक्ट है, 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल एंड गढ़वाल मंडल। जहाँ पे आप खड़े हैं ये गढ़वाल मंडल आपका, कुमाऊं मंडल अल्मोड़ा नैनीताल, ये कुमाऊं मंडल में पड़ता है। सबसे पहले सामने आपने जो झूला देखा इसका नाम होता है राम झूला। इसका जो असली नाम है, किताबों में जो नाम है शिवानंद झूला। पहले लोग यहाँ पे बोर्ड से आते जाते थे, 1986 में जब कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में, शिवानंद स्वामी यूपी गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपया डोनेशन देते हैं झूले के निर्माण के लिए। 1985 में इस पे काम शुरू हुआ, 1986 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ, 1 साल में बन के तैयार हुआ। इसका लंबाई है 650 फीट, 650 फीट लंबा है, इसलिए इसका नाम होता है शिवानंद झूला। झूला मीन्स हैंगिंग ब्रिज है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पड़ता तपोवन लक्ष्मण झूला। कई लोग यहाँ पे सोच के आते हैं यहाँ पे राम जी झूले हैं या लक्ष्मण जी झूले हैं, यहाँ पे ना राम जी झूले ना लक्ष्मण जी झूले ना उनका बचपना बीता। आपको पता है हिंदू धर्म में गाय हत्या ब्रह्म हत्या, किसी गाय को मारना किसी ब्राह्मण को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जब भगवान राम रावण को मारते हैं, लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारते हैं, रावण और मेघनाथ जाति के बहुत बड़े ब्राह्मण थे, विद्वान थे, तो वापस अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्यावासी और गुरु वशिष्ठ भगवान राम को बताते हैं कि आपने ब्रह्महत्या की, आपको इसका पश्चाताप करना होगा, जब तक आप गढ़वाल तपोभूमि में तपस्या नहीं करते हैं तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई इस गढ़वाल तपोभूमि में तपस्या करने के लिए आते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या किया। यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी दो रिवर का संगम है। संगम समझते ना, जहाँ पे दो नदियां मिलती है, अलकनंदा फ्रॉम अलकापुरी बद्रीनाथ से आती है, भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री गोमुख से आती है। ये दोनों जो नदियों का संगम है देवप्रयाग में, जहाँ पे भगवान राम ने तपस्या किया। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो भरत मंदिर, जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया। अपना कार पार्किंग के नजदीक मैंने आपको शत्रुघ्न टेम्पल दिखाया, जहाँ पे शत्रुघ्न जी ने तपस्या किया। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाते हैं आपने राम लक्ष्मण सीता जी का मूर्ति देखा होगा, मगर ऑल ओवर इंडिया में एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे चारों भाई का सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर, चारों भाई ने अलग अलग जगह पे तपस्या किया है ब्रह्महत्या का पश्चाताप के लिए। लक्ष्मण झूला 1930 का बना हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। कलकत्ता का बहुत बड़ा सेठ सूरजमल नागरमल नाम के 2 भाई अपनी बूढ़ी माँ को बद्रीनाथ यात्रा पे ले जाने के लिए यहाँ पे आते हैं। उनकी माँ देखती है गंगा पार करने का कोई साधन नहीं, कभी बोट चलता है, कभी दुर्घटना होती है, बोलते बेटे तुम्हारे पास ना पैसा है, इसमें से का सत्प्रयोग करो, यहाँ पे झूला एक ब्रिज बना दो, इससे कि तुम्हारा नाम जगह से प्रसिद्ध रहेगा, जनता की भलाई हो जाएगी, हमारी यात्रा यहाँ पे सफल होगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 लाख रुपये चांदी के डॉलर देते हैं, वहाँ पे झूला एक ब्रिज बनाया गया 1930 में, जिसका लंबाई है 450 फीट। वहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या किया, इसलिए इस ब्रिज का नाम रखा गया लक्ष्मण झूला ब्रिज, इसलिए आमतौर पर लोगों ने झूले का नाम रख दिया राम झूला ब्रिज। यहाँ पे ना राम जी झूले ना लक्ष्मण जी झूले, नाम दिया हुआ राम झूला है लक्ष्मण।